मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान सदर अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला एक नवजात बच्ची की मौत का है, जिसका आरोप सीधे तौर पर सिवान शहर के लक्ष्मीपुर निवासी रमेश प्रसाद ने लगाया है। रमेश प्रसाद ने बताया कि उनके पुत्र ओम प्रकाश कुशवाहा की पत्नी गर्भवती थी। उसे 30 सितंबर को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां के कर्मचारियों ने बताया कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जब मैंने अपनी बहू को एडमिट किया, तब देखा कि सभी कंपाउंडर इधर उधर भाग रहे हैं। तब पता चला कि सदर अस्पताल में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर पटना चली गई हैं। आनन फानन में करीब एक घंटे बाद डॉक्टर रीता सिन्हा को बुलाया गया और फिर ऑपरेशन हुआ, लेकिन लेट से ऑपरेशन होने की वजह से बहू के पेट में मेरी पोती की मौत हो गई। ये सभी आरोप रमेश प्रसाद ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से एक नवजात की मौत हुई, ऐसे में उन्होंने आरोपित को सजा देने की मांग की है। सर, मामला है कि हम लोग 30/9/2021 को हम लोग गए सदर हॉस्पिटल में, हमारे पोतों की डिलीवरी थी। तो हम लोग सोचे कि चलिए मैं सदर हॉस्पिटल में ऑपरेशन मैंने डिलीवरी करा लेते हैं, सोचे कि बढ़िया सब फैसिलिटी है। तो हम लोग चले गए, गए तो लोग चेकअप किया और सब किया, उसके बाद बोला कि हम इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम सर नहीं, ऑपरेशन देखिए फर्स्ट डिलीवरी, ऑपरेशन से तो मान लीजिए जो होगा तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसलिए इसको नॉर्मल डिलीवरी करा दीजिए। तो बोला कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, इसका दिक्कत है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है सर, उसको लोग दवा वो लिखे, हम लोग गए दवा लाने के लिए। उसके बाद कुछ सब दवा अंदर मिला, कुछ बाहर मिला, हम लोग लेकर आए। उसके बाद लोग अपने तैयारी किए, तैयारी वारी करने के बाद लोग ले गए ऑपरेशन थिएटर में। हम लोग भी 4-5 आदमी थे सामने घर के, सब लोग हम गए, गेट पर खड़े थे, लोग अंदर गए, अपना सब कुछ किए। उसके बाद लोग इंजेक्शन उनको दे दिया, मैंने बेहोशी वाला इंजेक्शन देकर। उसके बाद लोग बाहर आए, उसके बाद देखे हम समझे कि मैंने डॉक्टर सब उसमें है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं थे, केवल नर्सें कंपाउंडर सब थे। उसके बाद लोग लगा इधर उधर भागने, तो हमको समझ में नहीं आया कि इधर उधर लोग भाग कर रहे हैं। ऑपरेशन जब ले कर गए हैं तो ऑपरेशन करना चाहिए, तो पता चले उसमें डॉक्टर है नहीं है। उसके बाद डॉक्टर के लिए लोग हॉस्पिटल में गए, इधर उधर लगे भाग, लेबर रूम में गए, कोई बाइक से इधर भागा, कोई इधर भागा, तो हमको समझ रहा है कि बात का है। बाद में पता चला कि उसमें जो डॉक्टर है अनिता कुमारी, वो डॉक्टर है ये नहीं है। उसके बाद ये लोग भाग कर जाकर रीता सिन्हा, डॉक्टर रीता सिन्हा है, उनको लेकर आए और वही ऑपरेशन की। लमसम 1.5 घंटा हो गया इंजेक्शन देने के बाद। उसके बाद लोग ऑपरेशन किया, उसके बाद हम लोग लेकर उन लोग हॉस्पिटल में डाल दिया, हमारे बहू को उसमें भर्ती कर दिया। तो हम लोग ये बात समझ में नहीं, उसके बाद हम लड़का बच्चा सब चेकअप कराए तो सब उस समय ठीक था, लेकिन बाद में हम पता लगा तो पता चला कि नहीं, 1.5 घंटा ऑपरेशन हुआ है, तो क्या बच्ची जिएगी कि नहीं जिएगी कंफर्म नहीं है। हमारे अपने स्तर से हम पता लगाए, इसमें डॉक्टर के ज्यादा लापरवाही, इसलिए कि तुरंत ऑपरेशन होता है, लमसम 1.5 घंटा हो गया। तो हम तो सोचे कि भाई ठीक है। उसके बाद सब चेकअप कराए, उसके बाद 2 तारीख को सुबह में ही लड़की गुजर गई। उसके बाद हम हॉस्पिटल में ले गए चेक करा, तो बोला नहीं इसका केवल पल्स चल रहा है, सांस नहीं चल रहा। उसके बाद हम बाहर ले गए, बाहर भी दिखाए, मनोज सिंह है, डॉक्टर है, ट्रॉर है, 2-3 जगह ले जाकर ओपी श्रीवास्तव सबके चेकअप कराए, तो सब लोग लगे नहीं निकल चुकी है। उसके बाद हम लाए हॉस्पिटल में, उसके बाद पूछला कि सर क्या इसका किया जाए। हॉस्पिटल में जो नर्स मैम थी, तो जो करना है उसमें जो होता है उसको ले जाकर कीजिए। हम समझे कि हॉस्पिटल का केस है तो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, कुछ होगा, इसलिए हम नहीं, हम पूछ कर उसके बाद ले जाकर उसका क्रिया करें जो की है। उसके बाद अपने पतोह को हम लड़की खोजने कहा हुआ पापा जी, हम बोले कि भाई वो शीशा में भर्ती हुई है, नहीं निकल चुकी है। उसके बाद हम लाए हॉस्पिटल में, उसके बाद पूछला कि सर क्या इसका किया जाए। हॉस्पिटल में जो नर्स मैम थी, तो जो करना है उसमें जो होता है उसको ले जाकर कीजिए। हम समझे कि हॉस्पिटल का केस है तो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, कुछ होगा, इसलिए हम नहीं, हम पूछ कर उसके बाद ले जाकर उसका क्रिया करें जो की है। उसके बाद अपने पतोह को हम लड़की खोजने कहा हुआ पापा जी, हम बोले कि भाई वो शीशा में भर्ती हुई है, इसलिए उसको हम नहीं बताएंगे ऑपरेशन हुआ है, तो भाई उसका शरीर गड़बड़ हो जाएगा, रुला चिला जाए, तो उसको हम बताएंगे शीशा में भर्ती होगा, 20 दिन के बाद में बच्ची आएगी। उसके बाद 8-9 दिन हम हॉस्पिटल में थे। उसके बाद हमारे घर आई लड़की बच्ची जो हमारे पतो हो, तो उसको बाद में पता चला भाई, शुक्रवार को पता चला कि भाई ऐसे हो गया, तो रुला चिला लेंगे। उसके बाद उस घर के लोग हम बुला बुला कर समझा जाकर किसी तरह शांत कराए। तो मान लीजिए कि इसमें गलती तो है अनिता जो डॉक्टर है उसका गलती है, हम लोग तो भरोसा के साथ गए कि हॉस्पिटल में हमारा सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसमें हुआ नहीं। तो डॉक्टर की लापरवाही से हमारा मैंने चली गई बच्ची,
हमारे घर में फर्स्ट बच्ची थी, हम जाना हमारा भी बहन नहीं है, हमारा बच्ची भी हमारा भी नहीं है, हमारा बेटे का भी नहीं है। हम लोग मैंने हम लोग बहुत खुश थे कि हमारे घर में चलो उठो बच्ची हुई, और उसके बाद ये घटना घट गई। तो हम यही चाहते हैं कि भाई सिविल सर्जन को लिख कर दिए हैं आवेदन, DM साहब को लिख कर दिए हैं, SP साहब को लिख कर दिए हैं, थाना में भी लिख कर दिए हैं, तो लोग बोला कि ठीक है। उसके बाद अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस पर हमको न्याय चाहिए कि भाई इस पर DM साहब कार्रवाई करें, सब लोग कार्रवाई करें, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट केस करेंगे, हमको तो न्याय चाहिए। हमारा नाम हुआ श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा, लक्ष्मीपुर आंध्र ढाला सिवान, वार्ड नंबर 27। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।